नमस्कार, आप सभी प्रशिक्षुओं का साईं कॉलेज ऑफ टीचर्स ट्रेनिंग ओनामा के इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे डीएलएड प्रथम वर्ष के पेपर कोड F11 के यूनिट 3 से। जैसा कि आप सभी को पता होगा, यूनिट 3 में हम सभी को पढ़ना है प्रदर्शन कला, यानी कि परफॉर्मिंग आर्ट। तो परफॉर्मिंग आर्ट के अंतर्गत आज का हमारा टॉपिक है, आज का हमारा शीर्षक है कक्षा कक्ष में प्रदर्शन कला का प्रदर्शन। आप टॉपिक लिख सकते हैं कक्षा कक्ष में, यानी कि क्लासरूम में प्रदर्शन कला का, परफॉर्मिंग आर्ट का प्रदर्शन, परफॉर्मिंग आर्ट का परफॉर्मेंस। तो इस टॉपिक के अंतर्गत आपके परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं, आपके जो एग्जाम में इस तरह के प्रश्न आएंगे कि कक्षा कक्ष में प्रदर्शन कला का प्रदर्शन किस प्रकार किया जा सकता है, स्पष्ट कीजिए। यदि इस तरह के प्रश्न आपके परीक्षा में आते हैं तो इसका उत्तर आप आसानी से लिख लेंगे। हम इसी प्रश्न का उत्तर आज के इस वीडियो में जानेंगे। सबसे पहले यदि हम इस प्रश्न का उत्तर देंगे तो आपके सामने जो बोर्ड पर डायग्राम दिख रहा है, सबसे पहले आप इसे नोट आउट कर लेंगे, क्योंकि जब इसे आप लिख लेंगे तब क्लास को आपको समझने में ज्यादा सुविधा होगी। आपको हेडिंग देना है कक्षा कक्ष में प्रदर्शन कला। कक्षा कक्ष में हम प्रदर्शन कला कैसे कर सकते हैं, तो आपको लिखना है कक्षा कक्ष में प्रदर्शन कला का प्रयोग करने के लिए हमें दृश्य एवं श्रव्य सामग्री का प्रयोग कर सकते हैं। जब हम क्लासरूम में प्रदर्शन कला का प्रयोग करेंगे, इसका यूज करेंगे, तो वहां पर हमें दृश्य एवं श्रव्य सामग्री का यूज करना होगा। दृश्य एवं श्रव्य सामग्री में कौन कौन सामग्री आती है उसका वर्णन हम इस डायग्राम में समझते हैं। यह है दृश्य एवं श्रव्य शिक्षण सामग्री। वो कितनी तरह की सामग्रियां होती है उसके बाद देखिए, पहला होता है, इसको हम लोग दो भागों में बांट देते हैं, जो भी दृश्य एवं श्रव्य सामग्रियां होती है। पहला होता है इंद्रियों के आधार पर शिक्षण सामग्री, और दूसरा होता है आपका प्रौद्योगिकी के आधार पर शिक्षण सामग्री, यानी कि टेक्नोलॉजी के आधार पर शिक्षण सामग्री, और दूसरा होता है इंद्रियों के आधार पर शिक्षण सामग्री। आप चाहे तो यहाँ पर नंबर भी दे सकते हैं, जिसे क्या आपको दृश्य श्रव्य शिक्षण सामग्री को दो भागों में बांटा गया है। पहला हो गया इंद्रियों के आधार पर शिक्षण सामग्री, और दूसरा है प्रौद्योगिकी के आधार पर शिक्षण सामग्री। तो हम एक एक करके समझते हैं कि इंद्रियों के आधार पर कौन कौन सी जो है शिक्षण सामग्री आती है। इंद्रियों के आधार पर जो है श्रव्य साधन या उपकरण, दृश्य साधन, दृश्य एवं श्रव्य साधन, और क्रियात्मक साधन। हम इन सब के बारे में एक एक चर्चा करेंगे आपको। और दूसरे में प्रौद्योगिकी के आधार पर आपका होता है सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, यानी कि आपका ICT का एक भाग होगा, जिसे ICT भी चाहे तो लिख सकते हैं। ये क्या आपका एक ICT का भाग है। सॉफ्टवेयर हार्डवेयर को आप ICT के नाम जानते हैं, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का एक भाग है। और जब आप इंद्रियों के आधार पर बांटते हैं तो उसमें आता है श्रव्य साधन। श्रव्य साधन यानी कि वैसे उपकरण, वैसे साधन जिसको हम सुन सकते हैं। और दूसरा होता है दृश्य साधन या उपकरण, इसे आप कह सकते हैं दृश्य साधन, यानी कि जिसको हम देख सके। दृश्य एवं श्रव्य साधन में आपका वैसा उपकरण या वैसी सामग्री जिसे हम देख भी सके और सुन भी सके। और होता है चौथा का होता है क्रियात्मक साधन, यानी कि क्रिएटिव एलिमेंट, क्रिएटिव उपकरण, क्रिएटिव टूल्स। तो चलिए हम एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले आपको हेडिंग देना है इंद्रियों के आधार पर शिक्षण सामग्री। इंद्रिय के आधार पर शिक्षण सामग्री में आपका हो गया श्रव्य साधन या उपकरण। तो हम सबसे पहले लिखेंगे श्रव्य साधन और उपकरण। यदि आप सभी डायग्राम बना लिया है तो डायग्राम बनाने के बाद आप लिखेंगे इंद्रियों के आधार पर, यानी कि इंद्रियों के आधार पर हम इसे कैसे बांट सकते हैं। तो इंद्रियों के आधार पर लिखने के बाद आप 1 पॉइंट लिखेंगे श्रव्य साधन या फिर उपकरण। श्रव्य उपकरण में आप बोल सकते हैं श्रव्य उपकरण वो होते हैं जो हमारे कानों को प्रभावित करते हैं। जैसे मैंने कहा ही
श्रव्य साधन यानी कि वैसा उपकरण, वैसा एलिमेंट, वैसा टूल्स जिसे हम सुन सके, जो हमारे कानों को प्रभावित करते हैं। इनके माध्यम से हम नई नई चीजें सीख सकते हैं, नई चीजें सीखने को हमें प्राप्त होती है। यानी कि वैसा उपकरण, वैसे टूल्स को हम श्रव्य साधन में रखते हैं जिससे कि आवाजें निकलती है, जिसे हम सुन सकते हैं। यानी कि हम यहाँ बोल रहे हैं और आप सुन रहे हैं, तो ये हो गया आपका श्रव्य साधन। ये तो अभी का है, जैसे कि यही इसी मतलब क्लास को यदि हम रिकॉर्ड कर लें, रिकॉर्ड करके आपको दिया जाए, जिसे आप रेडियो के माध्यम से, रिकॉर्डर के माध्यम से, टेप के माध्यम से, ग्रामोफोन के माध्यम से, या फिर MP3 प्लेयर में सुन रहे थे, इस लेक्चर को केवल आप सुन रहे हैं, तो आपका हो गया श्रव्य उपकरण का माध्यम। इससे जो है शिक्षण में सीखना आसान हो जाता है और बच्चा सीखने में रुचि लेता है। यदि हम जब श्रव्य उपकरण का प्रयोग करते हैं, तो हम देखते हैं कि जो चीज़ें होती है आसान हो जाती है और बच्चा सीखने में रुचि लेने लगता है। वो क्या होता है, क्लास के बोरिंग लेक्चर से बोर हो लगता है, और जब हम ऐसे उपकरण का प्रयोग करते हैं, हमारी क्लास में आप रेडियो रिकॉर्डर, प्लेयर, टेप रिकॉर्डर या ग्रामोफोन का प्रयोग करते हैं, आजकल आप मोबाइल का प्रयोग करते होंगे, एंड्रॉयड फ़ोन का प्रयोग करते हैं, तो वो सब चीज़ों का यदि हम प्रयोग करते हैं बच्चों को सुनाने के लिए, कुछ बताने के लिए, तो वो आपका होता है श्रव्य साधन या उपकरण। यदि हम एग्जाम्पल की बात करें, उदाहरण में आप लिख सकते हैं, मान लें कि बच्चे को आपको राष्ट्रगान सिखाना है या फिर कोई कविता सुनानी है, अपने स्कूल का कोई प्रार्थना को याद कराना है, तो आप क्या कर सकते हैं, जो आपका जो सॉन्ग है, जो प्रार्थना है या जो राष्ट्रगीत है, पहले से रिकॉर्ड किया हुआ है किसी कलाकार के द्वारा, यदि रिकॉर्ड किया गया है तो आप उसे सुना करके बच्चों को ये बता सकते हैं कि इन्हें किस लय में गाना है, किस तरह गाना है, किस टोन में गाना है। तो जो उपकरण का हम प्रयोग करेंगे वो उपकरण आएगा श्रव्य साधन उपकरण के रूप में। और दूसरा में आपका लिखिएगा दृश्य साधन, दृश्य साधन या फिर आप दृश्य उपकरण भी लिख सकते हैं। दृश्य उपकरण के दृश्य का अर्थ होता है देखना, यानी कि जिसे हम देख सके। दृश्य उपकरण के अंतर्गत आने वाले उपकरण जो है आंखों को प्रभावित करते हैं, इन्हें देखकर बच्चा आसानी से ज्ञान प्राप्त कर लेता है, इस तरह के शिक्षण में रुचि भी लेता है। वैसी सामग्रियां जो है दृश्य साधन के रूप में आती है, दृश्य उपकरण के रूप में आती है, जिसे कि बच्चा जो है अपनी आंखों से देखता है। यदि हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो ये हो गया श्याम पाट यानी कि ब्लैक बोर्ड, या फिर व्हाइट बोर्ड भी आपका आ जाता है, सूचना पाट यानी कि नोटिस बोर्ड, खिलौने, मॉडल, चार्ट, मानचित्र, बुलेटिन बोर्ड इत्यादि इसके अंतर्गत आते हैं। जो भी उपकरण आप बनाते हैं, जैसे कि कोई आप पेंटिंग बनाए या कोई भी ऐसा मानचित्र बनाए, आप सभी के द्वारा जो है पोस्टर बनाया जाता है, बैनर बनाया जाता है, जिसमें होता है आप लोग मानचित्र भी बनाते होंगे, मॉडल चित्र बनाते हैं, तो उन सब चीज़ों का प्रयोग भी आप क्लासरूम में बच्चों को पढ़ाने के लिए करते हैं। तो उन सब चीज़ों को हम रखते हैं दृश्य साधन के रूप में, दृश्य उपकरण के रूप में, जिसको दिखा करके हम बच्चों को पढ़ा सकें। वैसे उपकरण को आप कह सकते हैं दृश्य उपकरण, जिसको दिखा करके आप क्लास में बच्चों को पढ़ाते हैं, जिसे बच्चे देख रहे हैं, उन सभी उपकरण को हम लोग दृश्य साधन या उपकरण के रूप में रखते हैं। और तीसरा में आपको लिखना है, तीसरा है दृश्य श्रव्य साधन, यानी कि वैसा उपकरण जो हमारी आंख और कान दोनों को क्या करता है, प्रभावित करता है, इसके माध्यम से ज्ञान अर्जन सुनकर एवं देखकर करते हैं, या क्या होता है बहुत ही रुचिकर माध्यम है। जैसे कि ये वीडियो आप एग्जाम्पल के तौर पर ले सकते हैं, इस वीडियो में क्या हो रहा है, आप देख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं, यानी कि इसमें क्या है, आवाज भी है और चित्र भी है, तो ये क्या करता है आपके आंख और कान दोनों इंद्रियों को प्रभावित करता है। ये क्या होता है, ये बहुत ही ज्यादा रुचिकर होता है, इसका प्रयोग भी आप क्लासरूम में कर सकते हैं। इसके एग्जाम्पल में आप चलचित्र, मूवी, ध्वनि युक्त स्लाइड, टेलीविजन, VCR, कंप्यूटर या फिर ड्रामा भी इसमें ले सकते हैं। इसके अंतर्गत आप क्या कर सकते हैं, ड्रामा को भी ले सकते हैं, ड्रामा यानी कि नाटक।
ड्रामा में क्या होता है, नाटक में हम बोलते भी हैं और एक्ट भी करते हैं, यानी कि बच्चे उसे देखते भी हैं और सुनते भी हैं। तो वो उपकरण आप कहते हैं दृश्य एवं श्रव्य साधन के अंतर्गत। ये सभी उपकरण क्या कर रहे हैं, हमारी इंद्रियों को प्रभावित कर रहे हैं, ज्ञान इंद्रियों को प्रभावित कर रहे हैं, जिससे कि क्लासरूम में बच्चों को पढ़ाना आसान हो जाता है। सभी आपके किसके अंतर्गत आ गए, सभी प्रदर्शन कला के भाग हो गए। और चौथा में आपको लिखना है, चौथा एवं अंतिम है क्रियात्मक साधन या क्रियात्मक उपकरण, क्रिएटिव टूल्स इसे आप बोल सकते हैं। इसमें आप क्या लिखेंगे, इसमें आप लिख सकते हैं जिन क्रियात्मक साधन से मनुष्य को क्रियाओं के द्वारा सीखने में सहायता मिलती है उन्हें हम क्रियात्मक साधन कहते हैं। यानी आप बोल सकते हैं वैसा क्रियात्मक साधन, वैसा क्रिएटिव वर्क, ऐसा क्रिएटिव वे जिससे कि मनुष्य को क्रियाओं के द्वारा, एक्टिविटी के द्वारा सीखने में सहायता मिलती है उन्हें हम कह सकते हैं क्रियात्मक साधन। क्रियात्मक साधन जो है प्रयोग एवं शिक्षण दोनों में उपयोगी होते हैं। इसका ज्ञान शिक्षण विद्यार्थियों के सामने भिन्न भिन्न प्रयोग करके या प्रदर्शन क्रियात्मक के रूप में किया जाता है। यानी कि इसमें हम क्या करते हैं, एक क्रिएटिव वे का इस्तेमाल करते हैं, एक क्रियात्मक साधन का इस्तेमाल करते हैं जिसमें बच्चों को मन भी लगता है और बच्चे आसानी से कोई चीज सीखते भी हैं। जैसा कि आपने बहुत सारे बाल गीत भी देखे होंगे, बहुत ऐसे एक्ट होते हैं जिसके द्वारा बच्चे को इंटरटेन किया जाता है, बच्चे को एक मस्ती का अनुभव कराया जाता है, उन्हें ज्ञान भी प्रदान किया जाता है। यदि हम एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें भी आप ड्रामा सेक्शन को ले सकते हैं, ड्रामा या नाटक करना, अभिनय करना, मेलों एवं प्रदर्शनियों का आयोजन करना। कई बार जो होता है विद्यालय में या महाविद्यालय में ऐसी प्रदर्शनियों का आयोजन किया जाता है, यानी कोई कार्यक्रम कराया जाता है जिसमें बच्चों की सहभागिता सुनिश्चित की जाती है, बच्चों को उसमें पार्टिसिपेट कराया जाता है, बच्चे उसमें सम्मिलित होते हैं, जिससे फायदा क्या होता है, वो सीखते क्या है, उनके अंदर एक क्रियात्मक वे उत्पन्न होता है, वो क्रिएटिव वे में सब चीजें को सीख पाते हैं। क्योंकि जब तक एजुकेशन को हम क्रियात्मक वे में नहीं ले जाएंगे, क्रियात्मक उपकरण का प्रयोग नहीं करेंगे, तब तक बच्चे जो है क्या कर सकते हैं, आपके द्वारा पढ़ाए जा रहे विषय को सीख नहीं सकते हैं। तो आपको करना क्या है, जब भी आप क्लासरूम में जाए, जब भी बच्चे को पढ़ाएं, तो जितना हो सके जितने भी उपकरण है जो कि आपकी इंद्रियों को प्रभावित करते हैं, जैसा मैंने यहाँ पर चार उपकरण का जिक्र किया है, श्रव्य साधन, दृश्य साधन, दृश्य श्रव्य साधन और क्रियात्मक साधन, इन सभी का आपको प्रयोग करना है अपने क्लासरूम में, जिससे क्या होगा, आपकी जो पढ़ाने की शैली है, आपको पढ़ाने का तरीका है, ये बहुत ही रोचक हो जाएगा और बच्चे आसानी से सब चीजें सीख पाएंगे। यानी कि जो चीज आप पढ़ा रहे हैं बच्चे वो आसानी से सीख लेंगे। इसीलिए आपके डीएलएड के पाठ्यक्रम में F11 के यूनिट 3 के अंतर्गत हमें प्रदर्शन कला पढ़ना है, परफॉर्मिंग आर्ट पढ़ना है, और ये सभी क्या आपके परफॉर्मिंग आर्ट का एक भाग है, कह सकते हैं कि ड्रामा का सब एक भाग है। हमें एक्ट करके, ड्रामा करके, नाटक करके, डांस करके, सब कुछ करके बच्चे को पढ़ाना है। यानी कि आपका उद्देश्य क्या होना चाहिए, बच्चों को शिक्षित करना, चाहे इसके लिए आपको कोई भी साधन उपयोग करना पड़े। क्योंकि नीति शास्त्र में कहा भी गया है, आप सभी नीति शास्त्र पढ़ रहे होंगे, तो उसमें हमें एक वाक्यांश मिलता है कि अच्छे साध्य की प्राप्ति है तो बुरे साधनों का इस्तेमाल किया जा सकता है। यदि मेरा साध्य बढ़िया है, यदि मेरा उद्देश्य बेहतर है, तो हम बुरे साधनों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये तो कोई बुरा साधन नहीं है, लेकिन मेरा साध्य अच्छा है, तो अच्छे साध्य की प्राप्ति के लिए ये जितने भी साधन है, इन सभी साधनों का प्रयोग हम क्लासरूम में करेंगे। बुरे साधन कहने का अर्थ ये हुआ, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत से ऐसे प्रशिक्षु हैं जिन्हें ये लगता है कि जब हम क्लास में पढ़ाएंगे तो हम ड्रामा का प्रयोग क्यों करें, हम डांस का प्रयोग क्यों करें, हम नाटक क्यों करें, ये उनके लिए बुरा हो सकता है। लेकिन इसे क्या होता है, हमारे साध्य क्या है, हमारा साध्य यह है बच्चों को शिक्षित करना है। तो जब आपका साध्य बेहतर है तो कोई भी साधन बुरा नहीं होता है।
आप इन सभी साधनों का, इन सभी उपकरणों का प्रयोग करके जो आपका साध्य है बच्चों को शिक्षित करना, उसे आप पूरा करेंगे। ये तो आपका हो गया इंद्रियों के आधार पर। अब हम दूसरा जानते हैं प्रौद्योगिकी के आधार पर, यानी कि टेक्नोलॉजी के आधार पर। टेक्नोलॉजी के आधार पर जो है कैसे इसे हम विभाजित कर सकते हैं, इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि प्रौद्योगिकी के आधार पर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर, इन दो चीजों का प्रयोग किया जाता है, जो कि आपके ICT का एक भाग है। आपके पेपर कोड F12 में ICT पढ़ना है, जिसमें मैंने विस्तार से सॉफ्टवेयर एवं हार्डवेयर के बारे में आपको बताया है। आप ICT वर्ग के सेक्शन में जा करके आप सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बारे में अच्छे से समझ सकते हैं। हमने वीडियो आपके लिए अपलोड कर रखा है जिसका शीर्षक होगा कंप्यूटर की संरचना, यानी कि एनाटॉमी ऑफ कंप्यूटर। तो एनाटॉमी ऑफ कंप्यूटर का वीडियो आप देख करके समझ सकते हैं कि आपका कंप्यूटर जो है कैसे काम करता है, कंप्यूटर की संरचना कैसी है। ये तो F11 में आपको कला पढ़ना है, लेकिन जब हम दृश्य और श्रव्य सामग्री का जब प्रयोग करते हैं तो उसके अंतर्गत आपका क्या आता है, प्रौद्योगिकी भी आता है यानी टेक्नोलॉजी भी आता है। तो टेक्नोलॉजी के अंदर दो चीजें आती है, सॉफ्टवेयर आता है और हार्डवेयर आता है। तो आप सभी F12 के जो वीडियो है एनाटॉमी ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की संरचना वाला वीडियो आप देख सकते हैं। थोड़ा बहुत अगर चर्चा कर देते हैं सॉफ्टवेयर क्या होता है। सॉफ्टवेयर हम उसे कहते हैं जो कि कंप्यूटर के इंटरनल भाग होता है, कंप्यूटर के अंदर होता है, जो कि एक प्रोग्रामिंग रहता है। प्रोग्राम के द्वारा इसे डिजाइन किया रहता है, सेट किया रहता है, और उसी के अनुसार जो है आपका कंप्यूटर कार्य करता है। आपका कंप्यूटर कार्य कैसे करेगा, उसकी कार्य प्रणाली कैसी होगी, या फिर बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन होते हैं या फिर बहुत से ऐसे प्रोग्राम होते हैं जिनको रन कराने के लिए भी सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है। क्लासरूम में जब आप ICT का प्रयोग करेंगे तो आपको PPT फाइल बनाना होगा, यानी कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन फाइल बनाना होगा। MS ऑफिस पर काम करना होगा, आपको जो है फोटोशॉप का भी नॉलेज होना चाहिए और साथ ही साथ आपको एक्सेल का भी ज्ञान होना चाहिए। तो इन सभी के बारे में भी ICT के सेक्शन में मैंने वीडियो अपलोड कर रखा है, आप जाकर उसे देख सकते हैं, क्योंकि आपके ICT सेक्शन में आपको विभिन्न प्रकार के सॉफ्टवेयरों के बारे में भी पढ़ना है, प्रोग्राम के बारे में जानना है। तो इस तरह के जितने भी सॉफ्टवेयर होते हैं इन्हें आप इंटरनेट के माध्यम से आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करके आप अपने लैपटॉप या फिर कंप्यूटर में इंस्टॉल करके इन सब चीज़ों का प्रयोग कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, डाउनलोड के साथ साथ आपके कहीं से भी पेन ड्राइव के माध्यम से, CD या फ्लॉपी डिस्क के माध्यम से भी ला करके अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर सकते हैं। इसे आसान भाषा में हम समझने के प्रयास करें, क्षेत्रीय भाषा में हम बोल सकते हैं तो आप सॉफ्टवेयर को बोल सकते हैं कि सॉफ्टवेयर का तात्पर्य वो होता है या कंप्यूटर का वो अंग होता है जिसे हम देख नहीं सकते हैं। यानी कि सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं, सॉफ्टवेयर वो होता है जिसे आप अपनी आंखों से देख नहीं सकते, ये कंप्यूटर का इंटरनल भाग होता है, अंदर का भाग होता है। और दूसरी आपका दूसरा आपका है, हम नंबर दे देंगे 1 और 2। दूसरा आपका है हार्डवेयर। हार्डवेयर क्या होता है, जब कंप्यूटर का एक यांत्रिक अंग है जो सॉफ्टवेयर के अनुसार कार्य करता है। यानी क्या है, हार्डवेयर जो है बाहरी अंग है जो कि हमें दिखाई देता है। आप इसे भी कह सकते हैं कि हार्डवेयर क्या है, कंप्यूटर का वो अंग है जिन्हें हम देख सकते हैं। यानी कि जब आप कंप्यूटर या फिर लैपटॉप देखते हैं तो जितने भी अंग आपको दिखाई देते हैं, जैसे कि कीबोर्ड हो गया, आपका माउस हो गया, ये सब क्या है, एक हार्डवेयर के भाग हैं जिन्हें हम आसानी से देख सकते हैं। लेकिन इनका संचालन कैसे होता है, इनका संचालन होता है सॉफ्टवेयर के द्वारा। आपके जितने भी अंग हैं कंप्यूटर के, हार्डवेयर के भाग हैं, प्रिंटर हो गया, लैपटॉप प्रिंटर, कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, ये सभी किसके द्वारा संचालित होते हैं, सॉफ्टवेयर के द्वारा, जो कि कंप्यूटर में इंस्टॉल रहता है। हार्डवेयर क्या है, कार्य करते हैं। तो आप कह सकते हैं कि वैसा उपकरण, ऐसा यंत्र जो सॉफ्टवेयर के अनुसार कार्य करते हैं उसे हम हार्डवेयर कहते हैं, या आसान भाषा में आप बोल सकते हैं कंप्यूटर के वे अंग हार्डवेयर कहलाते हैं जिन्हें हम आसानी से देख सकें। तो इस वीडियो में हमने जाना
दृश्य श्रव्य शिक्षण सामग्री के रूप में आप कक्षा कक्ष में जो है कैसे इन सभी का प्रयोग कर सकते हैं, इसके बारे में हम विस्तार से इस वीडियो में जाने। इस वीडियो में इतना ही। हम अगले वीडियो में डीएलएड प्रथम वर्ष के बाकी जो आपके यूनिट है उनका वीडियो लेकर आएंगे। ये वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।